This is Neha Anand, and I'm a practicing psychologist, psychotherapist, executive director, Bodhi Tree India, chief psychological consultant at Baba Saheb Ambedkar Bhimrao University. Aaj ka jo topic hai, see, we all are into this COVID pandemic globally. Or stress or anxiety, fear of uncertainty, hopelessness, is sab kuch is samay, everybody is overwhelmed with these emotions. Aur bahut lazmi hai ki is jo pandemic mein hum sab ek hi boat mein sail kar rahe hain. It is not just for those who are expecting their deliveries nearby or those who are undergoing some IVF procedures, but hum sab ke liye is ye waqt bahut hi challenging hai. Right, so I totally understand that you all are overwhelmed by these emotions and it is justified. क्या होता है कि जब भी ऐसी कोई all of a sudden कुछ ऐसा globally कुछ ऐसा ऐसी उथल पुथल मचती है तो सबसे पहले हमारा दिमाग हमारे mind में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है. देखिए, फिज़िकल प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली है, लेकिन हम उसको परसीव कैसे करते हैं, इस वक्त जो प्रॉब्लम है उसका परसेप्शन क्या है और हमारा एटीट्यूड उस प्रॉब्लम को लेकर के क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. कुछ क्वेरीज आज मैं आपकी टेकअप करूँगी, लेकिन मेजरली जो टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी, आप प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कीजिए और ध्यान दीजिए. नाउ देखिए, कुछ कंसर्न सबसे पहला ये होगा जो न्यू कपल्स हैं, यू नो दोज हु वर एक्सपेक्टिंग एंड दे वर हैविंग अ ड्रीम ऑफ अ फैमिली, इट इज़ बीइंग स्टक अप इन बिटवीन और इट्स बीइंग पुट ऑन होल्ड फॉर अ वाइल, ऐसा है. लेकिन इस वक्त अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड स्विच कर लें, अपना थॉट प्रोसेस स्विच कर लें, कि बजाय हम ये सोचने के कि वाई मी और हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या हमने जब ऐसा सोचा तो ही इस तरीके का कुछ क्यों हुआ, तो मुझे लगता है कि every time we have our own priorities in life. देखिए, जब ये pandemic नहीं था globally, तो आपके expectations, आपका lifestyle, आपका सब कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ही normal, natural तरीके से थी, लेकिन तब भी कुछ priorities थी life में, है ना. आज भी इस वक्त शायद जो हम एक महीना पहले ज़िंदगी जी रहे थे उससे कुछ अलग है और प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हैं, राइट. तो एक कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बहुत ही सूटेबल मुझे लगता है इस वक्त है, क्योंकि अगर हम मेंटली स्ट्रांग होकर के चैलेंजेस को टेकअप करते हैं तो लाइफ में ऐसी कोई भी चैलेंज नहीं है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं. डेफिनेटली हमारा डरना, हमारा एंक्शस होना, हमारा वरीड होना बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन हम बिना उसको जज किए हुए, उस इमोशन से कनेक्ट करते हुए, हमें उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, इस तरफ अपनी सोच को स्विच ओवर करना है, राइट. दूसरा ये है कि इस वक्त उन कपल्स के अलावा जो ड्यूरिंग अपने फैमिली वे हैं या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी डिलीवरी, उनको भी अगर वो पैनिक हो रहे हैं तो उनको भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपने अजम्पशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. तो हम ये जानते हैं कि एक प्रॉब्लम अभी आई है और आप सबको क्या करना है. सबसे पहले आपको अपने एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशन पे काम करना है. अब एक्सेप्टेंस क्या है? सी, एक्सेप्टेंस इज अ की ऑफ एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. अगर आप इस समय
ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त एक ही नाव पे सवार है, पूरी दुनिया ये एक्सपीरियंस कर रही है, तो यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट वी ऑल आर इनटू द सेम प्रॉब्लम। अब आते हैं एक्सपेक्टेशन पे। तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद एक महीना पहले या दो महीने पहले थे आईवीएफ को लेकर के या प्रेगनेंसी को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो एक्सपेक्टेशंस अगर बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, स्ट्रिंजेंट हैं, तो वो डेफिनेटली आपको ब्रूडिंग देंगे, आप क्राइंग स्पेल्स यानी कि रोने की इच्छा हो सकती है, इस तरह का आप फील कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन से स्विच ओवर करके थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मोड में आ जाते हैं कि फ्लेक्सिबल मोड में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर क्या है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आज ये आखिरी दिन नहीं है, खुदा ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो हम बहुत जल्दी इस पैंडेमिक से बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही बाहर आएंगे तो रास्ता कुछ ना कुछ अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा हम आते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के दो पहलू होते हैं। आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, उसमें आप दो सर्कल्स बना सकते हैं। दो सर्कल्स में आप एक सर्कल बनाइए व्हाट आई कैन डू अबाउट दिस प्रॉब्लम, और दूसरा सर्कल आप उसमें लिखिए व्हाट आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम और आई कैन डू नथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो अब इन दोनों सर्कल्स के अंदर आप अपने पॉइंटर्स बना लीजिए कि आप इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं जो आपके बस में है, जो कंट्रोलेबल है, ठीक है। दूसरे में जो आप कुछ नहीं कर सकते हैं आप उसके पॉइंटर्स बनाइए। अब दोनों में क्या हो सकता है, जैसे मेरे कंट्रोल में मेरा डेली रूटीन हो सकता है, मेरा मेडिटेशन रिजीम हो सकता है, मेरा प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। व्हाट आई कैन नॉट डू, उसमें अगर आप लिखते हैं यू कैन नॉट चेंज द ग्लोबल सिनेरियो, यू कैन नॉट चेंज द करंट टाइम, आप ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो जिस सर्कल में ये आ रहे हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए वरी करना बिल्कुल भी इरेशनल है। तो मैं आपको यहाँ ये कन्वे करना चाहती हूँ कि आप अगर एक्सेप्टेंस, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड एक्सपेक्टेशन वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, एंड थर्ड व्हाट यू कैन डू अबाउट अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन एंड व्हाट यू कैन नॉट डू अबाउट अ स्पेसिफिक सिचुएशन और अ प्रॉब्लम। नाउ देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय हमारा दिमाग मोस्टली जो इस समय ईटी प्रोसीजर से, मैं स्पेसिफिकली उनके लिए मेंशन करना चाहूँगी जिनका ईटी प्रोसेस स्टक अप हो गया है या उनको ये डर है कि आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, क्योंकि जितना आपका ये डिले हो रहा है आपके दिमाग में डेफिनेटली वो एक्सपेंडिचर भी फाइनेंशियली भी आपको बॉदर कर रहा होगा। सो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त आप अगर किसी भी ऐसे प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे तो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी हैं, यदि आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, जो भी गाइडलाइंस आपको डेफिनेटली आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन ने या गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया होगा या आपके फिजिशियन ने बताया होगा या फर्टिलिटी दोस्त में बहुत सारी इस पेज पे ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उस गाइडलाइंस के अगेंस्ट मत जाइए बिकॉज दैट हैज़ बीन यू नो इंट्रोड्यूस्ड बाई कीपिंग योर सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस इन माइंड। कोई भी नहीं चाहता है कि प्रोसीजर कभी भी गलत हो या कोई भी प्रोसीजर हाफ वे थ्रू रह जाए या थोड़ी सी भी चूक हो जाए, तो वो सब आपके ही बेनिफिट में है। यदि आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से आप अपनी बेहतरी
के बारे में और बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। इसमें गिल्टी फील करने का कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए। देन इट कम्स कि आपको क्यों इस समय प्रॉब्लम हो रही है और हम क्यों इतना अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस आते हैं। देखिए, हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिहेवियर, हम कभी भी कोई भी बिहेवियर क्यों ऐसा करते हैं, हमारा दिमाग इज कॉन्स्टेंटली, आर माइंड इज कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग स्टोरीज एंड मोस्टली फोकस्ड ऑन फ्यूचर। तो जब भी दिमाग ऐसी कोई स्टोरी बुन रहा है जो कि नेगेटिव है और ज़्यादातर उसका फोकस फ्यूचर में है, तो डेफिनेटली एक इंसान अज्यूम करने लगता है, विच इज़ नॉट अ रियलिटी। अजम्पशन कभी भी रियलिटी नहीं होता है। जैसे कि आप में से अगर अभी कुछ लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि किस चीज़ का डर लग रहा है। यदि अनसर्टेनिटी के बारे में बात करें, तो आपका सारा थॉट प्रोसेस फ्यूचर में होगा। अब क्या होगा, क्या चीज़ें कभी सही से हो पाएंगी, क्या हमने जो एक होप किया था टू हैविंग अ फैमिली, क्या ऐसा कभी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, सब कुछ, सारा कुछ व्हाट इफ और फ्यूचर टेंस में है। तो जब भी आपका दिमाग ऐसी स्टोरीज बना रहा है, आपको वहाँ पे ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस वक्त इसको ब्रेक नहीं लगाते हैं, तो हमारा दिमाग एक चेन ऑफ थॉट्स बनाता है और एक नेगेटिव थॉट कई नेगेटिव थॉट्स को जन्म देता है। सो इफ वन स्टेटमेंट इज कमिंग टू योर माइंड दैट व्हाट विल हैपन इफ दिस पैंडेमिक इज नॉट गेटिंग ओवर सून, तो आप इमिडिएटली वो सारे रॉ थॉट्स जो आपको बॉदर कर रहे हैं उसको लिखें और उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करें। अब प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्रेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने दो कॉलम्स बनाए। एक कॉलम में आपने लिखा कि क्या होगा अगर फिर से हमें ये मौका नहीं मिला, और दूसरे कॉलम में आपने प्रेजेंट में लिखा कि वाओ, वी आर अलाइव, एवरी डे वी आर ब्रीदिंग, एवरी डे वी आर सीइंग दिस ब्यूटिफुल डे, मॉर्निंग, नाइट, सो वी हैव अनदर चांस एवरी डे। इसी तरीके से आप थॉट्स को नोट डाउन करना शुरू करें, एक चार्ट बनाएं और ट्रैक करने के बाद उसको फ्यूचर से लेके प्रेजेंट में कन्वर्ट करें। एक और चीज़ आप क्रिएटिवली कर सकते हैं, जब आपने इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, तो आप उसको एक एफर्मेशन समझ लीजिए। अब एफर्मेशन क्या है? जब भी हम अपने आप को कुछ कमांड्स देते हैं पॉजिटिव वे में, जो हमारे दिमाग को ट्यून करता है, उसको हम एफर्मेशंस बोलते हैं। आप अपने आप को अफर्म कर रहे हैं, एक दृढ़ अपने आप को स्टेटमेंट दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, राइट? सो जो भी पॉजिटिव थॉट्स आपने लिखे हैं कि बहुत अच्छा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, हम अपने छत के नीचे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं, और आने वाले टाइम में हमें फिर से ये मौका मिलेगा, तो आप शीशे के सामने, यू मस्ट बी हैविंग अ मिरर इन योर होम, आप इसको डेली, जब तक कि आपको एंग्जाइटी बाउट्स आ रहे हैं, लेट से 5 दिन, 10 दिन या 1 महीना, आप हर रोज़ सुबह वो एफर्मेशंस रीड कीजिए। दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू डील विद योर नेगेटिव थॉट्स, कॉग्निशंस एंड स्टेटमेंट्स, राइट? सेकेंड टेक्निक। अब टेक्निक से पहले मैं सेकेंड आपको एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी। इस समय बहुतों के दिमाग में होगा कि हमें डॉक्टर ने मना कर दिया है आने के लिए, या अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाएंगे हम, या हम पता नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारा बेबी की ग्रोथ कैसी है, या क्या होना है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यदि आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से
बात करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि 20 वीक्स से पहले यदि आपका एक अल्ट्रासाउंड हो चुका है तो अनटिल एंड अनलेस, आप ध्यान दीजिएगा, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या ऐसी कोई भी आपको फिजिकल कंसर्न नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड कैन बी अवॉइडेड, है ना। 20 हफ्ते से पहले अगर आपका अल्ट्रासाउंड हो चुका है, रिपोर्ट्स आपकी अच्छी आई हैं, सब कुछ सही है, तो उसके बाद इट कैन बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। तो आई थिंक यहाँ एक सवाल आ रहा है कि जब भी आप न्यूज़ देखते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है, यू आर वरीड अबाउट योर बेबी एंड योर ड्यू इज़ इन जुलाई एंड कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ऑल्सो आई एम अनेबल टू गो टू माई डॉग फॉर माई रिव्यूज़ फॉर एग्जामिनेशन, वॉट टू डू विद दिस। ओके, दिस इज़ प्रियंका जी। सो प्रियंका जी, देखिए मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ कि आपका ड्यू अगर जुलाई में है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाय गॉड्स ग्रेस, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हर न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं है। दूसरा, जो भी रियलिटी चेक आपको करना है, आप पहले रियलिटी चेक करें। अगर आप वल्नरेबल हैं न्यूज़ को लेके, तो आप बिल्कुल न्यूज़ ना देखें। न्यूज़ अगर आपको स्टेटिस्टिकल डेटा दिखा रहा है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो अगर आप ये ओवरलुक कर रहे हैं कि कितने केसेस सही हो गए हैं, कितने लोग रिकवर हुए हैं, और इसका कोरोना का जो मोर्टिलिटी रेट है वो सिर्फ 2% है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, 2% मोर्टिलिटी रेट का मतलब है कि ठीक होने के चांसेस 98% है। बट ये लाजमी है कि जब आप इस सिचुएशन में हैं, आई टोटली एम्पथाइज विद यू, आई अंडरस्टैंड योर कंडीशन राइट नाउ, कि आपका ज़्यादा फोकस हो जाता है नेगेटिविटी पे। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस समय आपका साइकोलॉजिकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर वल्नरेबल हैं तो बिल्कुल न्यूज़ मत देखिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, क्योंकि रिकवरी केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा दिमाग हर वक्त एक स्टोरी बुनता रहता है और वो फ्यूचर टेंस में होता है। तो जो भी आपकी वरीज़ हैं वो फ्यूचर टेंस में होंगी, कि पता नहीं मेरी डिलीवरी ठीक से होगी या नहीं होगी, पता नहीं कैसे होगा, मेरा बेबी ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। डू नॉट वरी एट ऑल। अगर आप हेल्दी अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, सुबह उठ के योगा कर रहे हैं, जो प्रेगनेंसी योगा जाते हैं, थोड़ा बहुत प्राणायाम कर रहे हैं आप, और आपका फूड अच्छा है, न्यूट्रिशियस फूड आप ले रहे हैं, और आपका थॉट, यानी कि आपको फूड फॉर थॉट की भी बहुत ज़रूरत है, आपका बेबी वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हैं, राइट। सो जुलाई में अभी बहुत टाइम है, यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट, राइट। सो अच्छा, रही आपके डॉक्टर के सवाल, इंडिया में बहुत सारे ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो अपना टेलीफोनिक या टेलीमेडिक कंसल्टेशन दे रहे हैं। अगर आपकी फैमिली डॉक्टर हैं या आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो डे वन से आपको देखती आई हैं, तो आई एम श्योर आप उनके साथ टेलीफोनिकली कनेक्टेड होंगे। और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। डू नॉट वरी एट ऑल, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी कोई गंभीर हेल्थ इश्यूज़ ना हो। एंड आई एम श्योर अगर ऐसा है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए, एंड आई एम श्योर फर्टिलिटी दोस्त भी आपकी इसमें हेल्प करेगा। आप मुझसे भी पर्सनली, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा। बट स्टार्ट योर डे विद एफर्मेशन। आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन प्रियंका जी। नाउ मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे अल्ट्रासाउंड, सो 20 हफ्ते से पहले अगर आपका हो गया है अल्ट्रासाउंड, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो 20 हफ्ते के आसपास या उससे पहले पता लगना ज़रूरी है। और अगर तब तक आपका हुआ है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों को ये कंसर्न है कि हम अल्ट्रासाउंड नहीं कराने जा पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस कंसर्न से बाहर आ जाइए आप। इट कैन बी टोटली अवॉइडेड आफ्टर 20 वीक्स। Now I'm coming to one query कि क्या डिलीवरी के दौरान
बच्चे में क्या कोई ऐसा इन्फेक्शन आ सकता है. नाउ माय पॉइंट इज़, देखिए पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज इट इज़ अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ वायरस जिसमें अभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया है, अभी टाइम लगेगा इन चीज़ों को पता करने में, बट और ऐसा कोई एविडेंस अभी नहीं सामने आया है, बट आई विल टेल यू. मीनवाइल यूएसए में, चाइना में बहुत सारी ऐसी डिलीवरीज हुई हैं जिनमें बच्चे सेफ एंड साउंड और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हुए हैं. कल भी एक डिलीवरी चाइना में हुई है और बच्चा बिल्कुल हेल्दी बेबी हुआ है. सो आप अगर फोकस इन चीज़ों पे करेंगे कि ज़्यादातर जो डिलीवरीज हुई हैं वो सक्सेसफुल हुई हैं. डेफिनेटली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली ऐसा ही है कि जो जो डिलीवरीज हुई हैं वो सही हुई हैं. ठीक है. नाउ एक और एक्सरसाइज मैं आपसे, हाँ प्रियंका जी आप मुझे बता रहे हैं, व्हेन आई वॉच न्यूज़ आई एम गेटिंग वरीड अबाउट माय बेबी. हाँ आई थिंक आई कुड आंसर योर क्वेश्चन. और यस यू आर ऑलवेज वेलकम. सो नाउ आई विल गिव यू वन मोर एक्सरसाइज जिससे कि आप अपना थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपको ये थॉट आ रहा है कि आई एम गोइंग टू गेट इल, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स हमेशा मैटर करते हैं हमारी सोच को लेकर के. हमारी हमारा सोच जो है वो कम्युनिकेशन, जो जो वर्ड्स हैं, जो लिंग्विस्टिक्स हैं, उस पर डिपेंडेंट है. तो अगर आपको थॉट आ रहा है कि आई एम गोइंग टू गेट इल, लेट सपोज, और हाउ विल आई बी एबल टू गो फॉर IVF प्रोसीजर फर्दर, तो आप उसको रादर ऐसे बोलने के बजाय अगर आप बोलते हैं आई एम हैविंग दिस थॉट, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ थॉट एंड द रियालिटी. ठीक है. सो हमारी रियालिटी हमेशा परसीव्ड रियालिटी होती है, जैसे हम उसको परसीव करते हैं. तो आपका थॉट वर्सेज रियालिटी, अगर आप अपने स्टेटमेंट्स बोलेंगे तो आप अपने इमोशन से भी कनेक्ट कर पाएंगे. दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग, दिस इज़ हाउ आई एम थिंकिंग. सो माई thought is, or I'm thinking that I'm going to get ill, rather than I am going to get ill. तो यहाँ पे आपने जो irrational thought है उसको dispute कर दिया. Now breathing exercises are very very important for you. अब वो breathing simple breathing भी हो सकती है, वो अगर आपको रिलैक्सेशन, आपने प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन कभी किया हो, या एडवांस टेक्निक्स आपको आती हो, या फिर माइंडफुलनेस आता हो. अगर नहीं आता है तो कोई भी बात नहीं है. आप सिंपली जब भी आपको एंजाइटी हो रही है या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप एक कॉर्नर जो आपका कंफर्ट जोन हो सकता है, हम सबका घर में कोई ना कोई एक कॉर्नर हमारा कंफर्ट जोन होता है, तो हम उस कॉर्नर में बैठ जाएंगे एंड सिंपली डू नॉट डू एनीथिंग, जस्ट फील योर ब्रेथ द वे यू इनहेल एंड द वे यू एक्सहेल. फोकस ऑन इट. 10 सेकंड्स आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को फोकस कीजिए एंड देन लेट इट गो. देन अगेन टेक अ ब्रेक. उसके बाद फिर से आप अपनी ब्रीदिंग को रिपीट द सेम. एक ये प्रोसेस हो सकता है. दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि ब्रीदिंग साइकिल 6 सेकंड्स का ब्रीदिंग साइकिल फॉलो कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठ के अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए. स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ एंड यू विद इन 2 सेकंड्स यू इनहेल, यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर 2 सेकंड्स and slowly exhale your breath within 2 seconds. तो ये 6 seconds का एक cycle हो गया आपका breath cycle. But continuously आपको 6 seconds का cycle नहीं लेना है, बीच बीच में लेना है. Please ask. Now I was talking about the breathing. So the 6 second cycle you can also do that. Also YouTube is full of mindfulness videos, mindfulness meditation. I would always recommend
to go ahead and watch these mindfulness videos, because it will train you to live in present. It is very important to live in present. जब तक आप आज here and now में नहीं रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा worry करेंगे, बहुत ज़्यादा आप future को लेके assume करेंगे, which is definitely very fatal, और ज़्यादातर आपका दिमाग reality से परे होकर के आपको future के बारे में negative thoughts देगा, तो इससे बचें आप. मुझे लगता है काफ़ी कुछ मैंने cover किया है. हाँ, one more important point is, please do not go for googling a lot. बहुत मेरे पास भी ऐसे केसेस आते हैं जब हम साइकोथेरेपी सेशंस लेते हैं, देन दे कम ओवर एंड दे से कि हमने गूगल पे ये देखा, हमने गूगल पे वो देखा. देखिए, गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से आई हो. गूगल की इंफॉर्मेशन कोई भी कहीं से भी डाल सकता है, कोई लेमैन भी डाल सकता है, कोई स्पेशलिस्ट भी डाल सकता है. सो बेटर है कि उसको एक रियलिटी चेक दें. बहुत ज़्यादा इस समय नेगेटिव चीज़ों के बारे में गूगल ना करें, ख़ास तौर से IVF, प्रेगनेंसी, मेडिसिंस, थेरेपीज, इन सब से रिलेटेड तो बिल्कुल भी आप गूगल करने से बचें. डायरेक्टली अगर आप किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं, चाहे वो टेलीफोनिक हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, आई थिंक दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, ऑथेंटिक एंड रेलिवेंट. इस बात को ज़रूर आप कंसिडर करें. और कोई अगर सवाल हो, आई थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट का काफ़ी कुछ मैंने ऐड ऑन किया है. ग्रैटिट्यूड जर्नल मैं आपको ज़रूर ये बोलना चाहूँगी, जितने भी यहाँ पे फैमिली वे में हैं या कपल्स मुझे यहाँ देख रहे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि वाई मी सिचुएशन में है, मेरे हिसाब से अगर आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाते हैं और दिन में सिर्फ 3 ऐसी चीज़ें या 5 लिख सकते हैं तो लिखिए कि आज क्या अच्छा है आपके दिन में. तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल दैट यू फील ग्रेटफुल एंड थैंकफुल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच गॉड हैज़ गिवन यू, एंड यू आर प्रिविलेज्ड फॉर दैट एंड यू आर नॉट डिप्राइव ऑफ दैट सो फार. जो हमारी बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, आई थिंक इट इज़ ऑल बींग फुलफिल्ड. तो ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने से आपकी पॉजिटिविटी और आपका हैप्पीनेस क्वोशंट दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहेगा और सेल्फ मोटिवेशन भी आपको मिलता रहेगा. सो डोंट वरी, दिस टू शैल पास. ये फेजिक है और हर सदी में कुछ ना कुछ, देखिए हम ट्रांजिटरी पीरियड में हैं, ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है. बट हम अगर कोई भी लड़ाई मेंटली साइकोलॉजिकली फिट होकर स्ट्रांग होकर लड़ते हैं तो उस लड़ाई में जीत हमारी ही होती है और ये बिल्कुल संभव है. तो प्लीज़ अपने एटीट्यूड को इस समय पॉजिटिव रखिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगर और भी कोई सवाल है तो आप प्लीज़ फ्लोट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ हाउ वी हैव कम टू एन एंड टू टुडेज सेशन. आप सब नेहा आनंद गूगल भी कर सकते हैं, यहाँ ज़रूर गूगल कर सकते हैं आप. फेसबुक पे मुझे सर्च कर सकते हैं, फर्टिलिटी दोस्त पे जा कर के आप देख सकते हैं. और यदि कोई और कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विद मी. जस्ट मे गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. गॉड ब्लेस यू ऑल.